मम्मी की अभी कॉल आई थी, उनकी डेथ हो गई अभी अभी, तो माँ ने कहा अभी मत आओ। मतलब यार उनका तो, उन्होंने तो 21 दिन का प्रण ये लिया था कि वो फ्रूट्स में रहेंगे। मैंने पैसा बहुत पैसा 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 दुनिया पैसे के बीच पड़ी है, ऐसे में रहती हो, इस पे रहती हो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल रूवी जर्नी। वैसे गुड मॉर्निंग का टाइम तो हो गया ओवर, क्योंकि टाइम हो गया 10 बज गए हैं, 10:30 के आसपास। लेकिन मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस पे काम के लिए, क्योंकि पीएम सूर्या घर वाली योजना में हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ओके गाइज, क्या हो रहा है? इंतज़ार कर रही हूँ शाम आने का। शाम आने का, शाम को तो जाओगी इसीलिए? ये पूरे 16 डेज के लिए जा रही हूँ। यार कौन व्लॉग बनवाएगा, कैसे ये होगा, मेरे तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता। क्यों? मुझे सबकी याद आएगी, मुझे कोई याद नहीं करेगा। अब बने रोटियां अब खाओगे? मत देखा मुझे, सब यही क्यों कहते हैं अपने लिए? मैं तो कभी नहीं कहती, मैं तो खुद को हमेशा बहुत सुंदर लगती हूँ। दूसरों से क्या उम्मीद करनी, तारीफ होगी खुद ही कर लो। तो गाइस मैं हो गई हूँ घर जाने के लिए तैयार। मैं सुबह से तैयार थी आज, पर अब मैं निकलने वाली हूँ। अभी बजे हैं 6:30, मम्मी सुबह से इंतजार कर रही हैं, कई बार कॉल कर दिया उन्होंने, जाते जाते 6:30 हो गए हैं। शर्मा जी भी तैयार ही नहीं हुए, उनकी वजह से मैं लेट हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं वो, अंदर ससुराल जा रहे हैं इसलिए, है ना? तुम कोई देख रहा है वहाँ? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो अब से सारे व्लॉग मम्मी के घर के रहेंगे। यार वहाँ पे कुछ है ही नहीं करने को, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊंगी। बस मैं और मम्मी रहा करेंगे पूरे व्लॉग में, फिर भी जो दिखा सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अब मम्मी के घर। तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं घर जा रही थी, लेकिन किसी कारण से मेरा घर जाना अभी कैंसिल हो गया है। कारण यह है कि हमारी गली में अम्मा जी हैं, मम्मी की अभी कॉल आई थी, उनकी डेथ हो गई अभी अभी, तो माँ ने कहा है अभी मत आओ, या तो मैं जाऊँगी कल शाम में या परसों में, क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। तो मम्मी ने कहा ऐसे आना ठीक नहीं लगेगा तुम्हारा, तो अब देखते हैं मैं कल जाती हूँ या परसों, अभी तो कन्फर्म ही नहीं है। पापा से पूछ के अब तो निकलवाना पड़ेगा कि कब जाना है। तो मेरी एक्साइटमेंट तो ख़त्म ही हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि थी यार अंदर से मम्मी सुबह से कॉल कर रही थी, मैं तेरे लिए कुछ बना रही हूँ आ जा, और अब अचानक से मम्मी का कॉल आया है कि अभी मत आना, मतलब प्रॉब्लम हो गई गली में। तो उनके लिए बुरा भी लग रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह जाएँ, बहुत अच्छी जगह जाएँ, और उनकी फैमिली को हिम्मत दे, क्योंकि कोई भी हो यार, बुढ़ा हो जवान हो, कोई भी हो फैमिली में से जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो अपने घर की नींव थी, तो उनके घर वालों को भगवान हिम्मत दे, बहुत हिम्मत दे। और अब मिलते हैं मम्मी से कल या परसों में, फिर आपको मैं अपनी मम्मी नेक्स्ट इसी बुआ से मिलवाती हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में। ऐसे हाँ मामा जी को दिखा, आज मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी। अब देखो मेरे को हंसी आ रही है, मामा जी माफ करना मुझे, मेरे लिए इतनी बड़ी वो लेके आए थे फ्रूटी की बोतल, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया, मुझे कल खूब डांट रहे थे पिया कर इसे, बीपी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, खुद बीपी लो की वजह से चक्कर खा के गिर गए। हाँ चक्कर आ गया इन्हें, मुझे डांट रहे थे, तो अब इन्हें भी उसकी फ्रूटी की जरूरत है। और मामा जी मतलब बहुत प्यार करते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मन में ये मांगा कि मैं ना जाऊं, तो इसलिए मेरा जाना कैंसिल हो गया। मामा जी खुश हो गए हैं। मामा जी सच में ठीक है? तभी ठीक है मामा जी? हाँ ठीक है, तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद, मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सबको आशीर्वाद है, आपके यहां हो जाता है। मामा जी के ग्रह काट रही है। हाँ तो कल ही तो कही, तो कह रहे कि तो पहली तारीख तक गिरे। पापा ने मामा जी को, शायद आपने यही ज्यादा सोच लिया, पापा ऐसे ही वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो पापा ने मामा जी को ये बोल दिया कि आने वाली जो 1 तारीख है 1 अप्रैल, तब तक मामा जी के ऊपर थोड़ी ग्रह है, तो थोड़ा टाइम कष्टों में जाएगा। इन्होंने इतना सोच लिया कि ये टेंशन में चलेगा, चक्कर इसीलिए आया है ना, ऐसे नहीं सोचते सच में, ऐसे नहीं सोचना, ऐसा कुछ ना सोचने दे। और तबीयत और खराब कर ली, पर अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी फ्रूटी की बोतल बची हुई मामा जी को खत्म करनी है, मैंने आधी कर दिया, बारी आपकी बारी है। क्या हो रहा है आज? आज बनना है मटर पनीर।
शर्मा जी कट गए। मतलब यार उनका तो, उन्होंने तो 21 दिन का प्रण ये लिया था कि वो फ्रूट्स में रहेंगे, मैंने वो भी तोड़वा दिया मैं क्योंकि सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ इसलिए नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लगता। पता है हम लोग खाना खाते हैं, कोई घर में एक इंसान खाना ना खाए ना तो फिर ऐसा लगता रहता है तुम खा रहे हो दूसरा नहीं खा रहा, हालांकि उन्हें नहीं लगता। अभी आप ये वाला सीन बताओ पहले मैक्सी क्यों चेंज हुई है क्यों हुई है रात में तो सब मैक्सी पहनते हैं। दीदी मेरा मजाक बना रही है, बहुत ज्यादा बना रहे हैं। हाँ साड़ी पहन के रह सकते हैं किस लिए चेंज हुई थी क्योंकि मैं खुद को साड़ी में अच्छी नहीं लग रही थी, बस रीजन यही था। तो मेरा मजाक मत बनाओ, मैं जाऊंगी एक दिन, मैं जरूर जाऊंगी जाएंगे देखो ये भी हंस रही है मेरे ऊपर यार मैं आपकी सपोर्ट कर रही हूं मैं जाऊंगी। अभी पनीर खा रही हो? वो कौन है तारा पाकिस्तान जाएगा, मैं भी मम्मी के घर जाऊंगा। नहीं उस मूवी में क्या मैंने करा। तो फाइनली बन चुकी है हमारी मटर पनीर, 5 मिनट की और देरी है बस अभी, थोड़ी सी और 5 मिनट बाद ये जाएगी सबकी कटोरियों में। खाली मटर पनीर खाओगे, रोटी नहीं बनेगी? यार मुझे तो इसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। हैं? हाँ शादियों में खाया मैंने। नहीं तो घर पे भी हमारे जब भी मटर पनीर बनती है ना उधर शादियों में चावल जरूर बनता है, चावल में मटर पनीर। घर पे तो मैं भूल ही जाती हूँ वाला टेस्ट, क्यों शादियों में देख के याद आता है। अब खुशबू कैसे आ रही है बताओ? पता नहीं दीदी बताएंगे। कैसी आ रही खुशबू? बढ़िया। हाँ लग रही है अच्छी। अब मुझे लग रहा है थोड़ी मिर्च तेज हो गए हैं, कलर देना। नहीं कलर वाली भी डाली है वैसे मैंने, पर मुझे लग रहा है कोई बात कोई ना चलता है। मिर्च तेज कर दे फिर तो ये मेरे लिए बहुत दुखद समाचार है। ये कम खाती है ना? हाँ ये बहुत कम खाती है, सॉरी। पर ये वो खा लेती है मैगी स्पाइसी चिली पटेटो। चिली पटेटो छोड़ दिए हैं, बस मैगी खाती हूँ। कब से छोड़ दिए? आपने मैं देखी हूँ आज तक खाती हुई आई नहीं है, अभी बहुत दिनों से घर पे कुछ भी वैसा। मैंने सब छोड़ दिया, मोमोज छोड़ दिए। खाऊंगी और मैं नहीं खाऊंगी इसलिए किसी को आते ही नहीं है। मोमोज मैंने छोड़ दिए, तुम्हारे लिए मंगा देंगे। तुम चाउमीन क्या जो तुम्हें खाना हो? मैगी बनाऊंगी अब, कल बना लूंगी। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब कुछ अच्छा ही बन जाता है, फिर वो बन ही नहीं पाती है। कल बना ये सबसे अच्छी चीज है वैसे, मैगी से अच्छी चीज बननी है ये खानी चाहिए तुमको। नोप्स नोप्स इन्हें तो कीड़े ही पसंद है कोई ना बना लेना। कौन कौन खाएगा मैगी? खाओगे? मैं कल दीदी को कॉफी बनाऊंगी, इन्हें कॉफी पीने का मन है ना। आप क्या आप खाओगे कल मैगी मेरे साथ? नहीं। कौन कौन अपने पेट में कीड़े घुसाना चाहेगा? और क्योंकि हमने इसमें डाले लहसुन प्याज तो पापा तो ये खाएंगे नहीं, तो पापा के लिए हम दूसरी कोई सब्जी बना देंगे। हाँ। क्योंकि पापा बिना लहसुन प्याज का खाते हैं ना, वो तो नहीं खाते, वो पूजा करते हैं। उनके लिए मैं अभी थोड़ी दाल वाली या कुछ ऐसी बना दूंगी, या फिर ऐसे करते हैं थोड़ा सा पनीर और मंगा के उनके लिए दूसरा पनीर बना देती हूँ, सही है ना? गाइस पापा को पता नहीं है कि मैं आज घर नहीं गई हूँ। पापा नमस्ते कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे ना गई आपको पता था कैसे ही वेर कैसे आए पापा को पता नहीं था आज, मैं पापा को ये था कि मैं घर चली जाऊंगी है ना, सरप्राइज मिल गया पापा को। गाइज आप देख सकते हैं श्वेता मम्मी पीछे वो बैठी गुटियल करिश्मा पापा ये रात की चाय मतलब हम कितने भी पैसे वाले हो जाएंगे भविष्य में भी, लेकिन ऐसा प्यार ये सब जो समय हमने देखा है जो गांव में हमने अपना इस वाले घर से हमें इतना लगाव है ना पूछो मत। तो अभी देखो चाय चल रही है, रात को इतना बढ़िया तरीके से बैठ के बातचीत होना, हंसी मजाक करना। ऐसे कमेंट करते हैं कि आप इस घर को फिर से बनवा लो, ये बनवा लो, हम बनवा के इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें कई लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन जो सुकून इसमें है ना। आज वो दीदी आई थी, दीदी वो क्या कह रही थी कि लोग ऐसे घर के लिए तरसते हैं, ऐसे गाँव के लिए तरसते। मतलब ये है कि हम लोगों की जमीने हैं, हम रोड पे है और हम उसी को बिल्डअप करवाएंगे अब, क्योंकि ये पुराना है और अंदर गली में है इसलिए इसको तो नहीं करा रहे। अच्छा है। हाँ मतलब
अभी हमने गाजियाबाद ले लिया है ना, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी वहीं रहेंगे ना, वो आने वालों के लिए रहेगा, हम इसी में रहेंगे जो कहते हैं ना खराब कर दो उनको उसमें बुला लिया कराएंगे। हाँ। कोई खराब नहीं है, जहाँ पे सुकून है वो सब अच्छा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम आराम से, गुटिया इधर पड़ी रहती है, मम्मी इधर बैठी है, खाना किधर, और मैं आप सबका फेवरेट। आज मेरी कटिंग अच्छी लग रही है क्या? शर्म देखो, ये खड़क कह रही थी आप तो माँ भाई 25 के लगने लगे, एक में माँ है एक में बाप। क्या शहरों में देखा है? ये मेरा रूम है बेटी का, ये बेटी का रूम है, एक माँ बाप का रूम है, एक बाबा का रूम है। अरे क्या मतलब है, एक जगह बैठ नहीं पाते, दिल दूर हो जाते हैं लोगों के। कोई ये मोहब्बत है? सोचते हैं बहुत पैसा, बहुत पैसा पैसा पैसा, दुनिया पैसे के बीच पड़ी है, ऐसे में रहते हो, इस पे रहते हो, हम रहते हैं दिलों में एक दूसरे के। सच में हमारे घर में तो टच वुड बहुत प्यार है, और आप देख ही सकते हैं हम तो इसी में हंसते हैं, हमें तो इसी में आनंद। पापा एक चीज और बता दो, रात का दूध छोड़ कर चाय बनवाने का क्या ना? चाय प्लस दाल से नहीं, दूध भी पीऊंगा। ये तो आपने खाया, पापा तो दूध से खा रहे हैं। पापा तो मीठे वाले खा रहे हैं चाय के साथ, पीछे दुबका लिए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं, ये बचपन में खाता था मैंने, ये मीठे हैं। अब तुम्हारे जो गाइस हैं वो कहेंगे कल को, ये मीठे तुम्हारे पापा मीठे सेब खाते हैं, तुम्हारे पापा ये खाते हैं। ये तो मेरी कंपनी का नाम आ रहा है पीछे, तुमने मेरी कंपनी का लगा रखा है बोर्ड। और क्या, AR Sortec Energy Private Limited, ये कंपनी के सेब हैं। लोकल कंपनी तो सो गए बहुत देर के। गाइस बहुत जल्दी मैं भी आपको एक सूचना देने वाला हूं कि आप किस तरीके से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं जो पीएम की सूर्य घर योजना चल रही है उसमें, और हम लोग एक फॉर्म भी आपको डाल के देंगे, फिल करिए और सब्सिडी पाएं, और भी उसमें जो भी आपको सुविधा मिल सकती है हम लोग दिलवाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि मैं सोलर का व्यवसायी हूं, मैं सोलर का काम करता हूं, और मैं इम्पैनल्ड वेंडर हूं पीएम सूर्य घर के MNRE पोर्टल का। हाँ जी, तो अभी क्या गुड नाइट बोलने का टाइम हो रहा है? अभी कहाँ हो गया? बाद बोलेंगे, सब बोलेंगे आज गुड नाइट। ओके, अभी बात चलेंगे अभी तो। गाइस मुझे आपको एक चीज और बतानी है, क्योंकि हमारा मंदिर अभी ऐसे लगा हुआ है तो वो हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको भी देख के वीडियो में अजीब लगेगा, आप पहले से कॉमेंट ना करें, इसलिए मैं पहले ही डाउट क्लियर कर रही हूँ। ये कुछ दिन के लिए हमने इधर इसलिए शिफ्ट किए हैं क्योंकि पहले हमारा मंदिर इधर साइड में था, अब जो हमारा मतलब हमारे पीछे वाला जो घर है वो अपना घर वापस से बनवा रहे हैं, तो उनके जो मिस्त्री हैं उन्होंने इस तरीके से उनकी दीवार को निकाला कि हमारी भी दीवार की ईंटें निकाल दी, और जब हमने देखा तो हम यहाँ से दूसरी गली में पार देख पा रहे हैं, ऐसा घर हो गया हमारा, इसलिए हमने मंदिर को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया है अभी, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो वापस भगवान जी अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए कॉम्प्रोमाइज चल रहा है इनके साथ में, थोड़ा सो गए हैं वो, डिस्टर्ब ना किया जाए उन्हें। यहाँ पे सब सो रहे हैं, ये तो सच में ही सो गए क्या? और ये दो गुड़ियां हैं श्वेता के खेलने के लिए आए पापा, वो रिद्धि सिद्धि है। अरे बाबा मैंने हाथ झूठ, ये वैसी गुड़ियां हैं, ये कोई बात नहीं, ये तो आपको कल दिखा दूंगी।